से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं ताड़ी विरोध आंदोलन या ताड़ी विद्रोह के बारे में। देखिए ताड़ी विद्रोह आंदोलन था क्या, ये कहाँ हुआ, इससे क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में पूरा जानकारी आज हम लोग लेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ताड़ी विरोधी आंदोलन या ताड़ी विद्रोह जो था, ये आंध्र प्रदेश में 1992 में हुआ था, सितंबर और अक्टूबर के महीना में। इस आंदोलन ने क्या किया था, पूरे क्षेत्र को, जितना था आंध्र प्रदेश का जितना क्षेत्र था, उस क्षेत्र को पूरी तरह क्या किया था, क्रांतिकारी बना दिया था। ताड़ी को बंद कराने के लिए, शराबखोरी को बंद कराने के लिए, और हर प्रकार के वैसे वस्तु जिससे पुरुष वर्ग बर्बाद हो रहा था, नष्ट हो रहा था नशा के कारण, उन सभी नशा वाले चीज़ों का विरोध किया गया था। ये घटना कुछ ऐसी थी कि निल्लौर नामक एक जिला है, जहाँ दुबरघंटा नामक गाँव है, जहाँ पर 1990 के दशक में, ठीक है, महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता मिशन चलाया जाता है या कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत महिलाएं जो है अपने परेशानियों को, अपने हर प्रकार के दिक्कतों को वहां चर्चा करती थी एक दूसरे से, जिसमें से यह विद्रोह जो था, इसी का एक बोल सकते हैं छोटा सा लिंकअप था इसमें। होता क्या है कि महिलाओं पर लगातार 1990 से लेकर 1993 के बीच में महिलाओं पर लगातार बहुत सारा उत्पीड़न होता था, महिलाओं को मारा जाता था, उन्हें पीटा जाता था, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें घर से निकाल दिया जाता था, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी इससे, बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र से दूर रखा जाता था, और जो घर के गार्जियन होते थे या पिता वर्ग होता था या फिर पुरुष वर्ग होता था, वो क्या करता था, शराब के नशे में, ताड़ी के नशे में अपना सारा संपत्ति खत्म कर देता था। वो लगातार ऐसे काम करता था जिससे घर में अशांति होती थी, क्योंकि आपको पता होगा कि जिनके घर में अगर पिता या फिर बेटा शराब पीता है, वो घर कभी ठीक तरीके से नहीं चल पाता है। आपको ये जानना होगा, ये आप जानते हो कि आपके आस पड़ोस में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं और घर में मारपीट करते हैं, महिलाओं को इसका शिकार बनाते हैं, उन्हें हद से ज़्यादा मारते हैं, उन्हें अधमरा कर देते हैं, और इसी तरह आंध्र प्रदेश में हो रहा था। ताड़ी विद्रोह जो था, ये एक दिन का घटना नहीं था, ये घटना उन महिलाओं के अंदर जल रहे एक बोल सकते हैं एक ऐसा आग का परिचय था, जिसने आंध्र प्रदेश के 5000 गांवों की महिलाओं को एकजुट कर दिया। ये आंदोलन जो था, ये 5000 गांवों में एकजुटता से शुरू हुआ। इस आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी महिलाएं थी, वो सभी 17 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की महिलाएं थी। इन महिलाओं ने कड़ा विरोध किया था कि यदि हमारे क्षेत्र में ताड़ी विद्रोह होता है, तो हम एक भी दुकान या एक भी तरह का कोई भी शराब या नशा से जुड़ा कोई भी तरह का चीज को नहीं चलने देंगे। इस विद्रोह को रोकने के लिए इतनी ज्यादा मात्रा में महिलाएं जुटी थी कि इस ताड़ी विद्रोह ने 17 बार ताड़ी की नीलामी को बर्खास्त कर दिया था, पूरी तरह रद्द कर दिया था। इससे बड़े बड़े व्यापारी और सरकार को बहुत नुकसान हो रहा था। सरकार को ताड़ी और शराब की बिक्री से जो टैक्स मिलता था, वो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता था। इसलिए सरकार जो था, इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सरकार को पता था कि यदि वो इसको करेगी, तो जो सबसे अधिक आमदनी या टैक्स देती है, वो सोर्स बंद हो जाएगा। इसीलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। हर गली मोहल्ले, गांव और बस्तियों से महिलाएं निकलने लगी और ताड़ी के विरुद्ध, शराब के विरुद्ध, नशा के विरुद्ध कड़े से कड़े आंदोलन करने लगे। इसके लिए 6 मुख्य बिंदु महिलाओं ने रखे, जिस पर सरकार को पुनः विचार करने का एक अवसर दिया, सरकार को यह इत्तला किया, सरकार को यह हिदायत दी कि हमें ये 6 अधिकार चाहिए। पहला था महिलाओं का मानसिक शोषण या शारीरिक प्रताड़ना को बंद करना। दूसरा था पुरुषों को शराब की लत छुड़वाना और सरकार को इसमें महिलाओं की सहायता करना। तीसरा था आर्थिक स्थिति सुधारना, जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी शराब के कारण, उस स्थिति को सुधारना तीसरा था। चौथा था महिलाओं का शिक्षा, महिलाओं को जब तक शिक्षित नहीं किया जाएगा, महिलाएं बोलने लायक नहीं बनेगी, महिलाओं के अंदर जज्बा नहीं जगेगा। पांचवा था बेरोजगारी, जो बेरोजगारी शराब और नशाखोरी के कारण आया था, जिसके कारण महिलाओं को बाहर काम करना जाना पड़ा था, उनके पति घर में बैठे रहते थे और सिर्फ शराब के लिए वो अपने वाइफ्स को, अपने पत्नियों को मारते थे, अपने परिवार, अपने बेटियों को मारते थे। इसके लिए बेरोजगारी को दूर करना था और जितने भी पुरुष थे उन्हें रोजगार के लहर में जोड़ना था। उसके बाद था राजनीतिक और अपराध को के संबंध को नशा और शराब से दूर रखना, क्योंकि देखिए राजनीति और अपराध जो है, ये एक सिक्का के दो पहलू हैं। जहाँ राजनीति होता है, वहाँ अपराध भी होता है, और इसमें वही लोग ज़्यादा भाग लेते हैं जो शराबखोरी करते हैं, जो नशे में रहते हैं।
छठा था लैंगिक असमानता, जो लैंगिक असमानता हुआ था जिसके कारण दो लिंगों के स्त्री और पुरुष के बीच में जो मतभेद था उसे दूर करना मुख्य मुद्दा था। तो इस तरह से 6 मुख्य मुद्दे रखे गए थे सरकार के समक्ष, जिसे महिलाओं ने पहली बार खुले रूप से रखा था। इस विद्रोह ने पूरी तरह से एक अलग जज्बा जगा दिया था आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। ये तो शुरुआत हुआ था एक छोटे से गांव दुबरघंटा से, लेकिन निल्लौर जिले से होते हुए ये धीरे धीरे पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गई और एक आंदोलन का एक स्लोगन निकला, एक क्रांतिकारी बात निकली, जिसमें कहा जाता था, नारा दिया जाता था कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। ये आंदोलन जो था बहुत ही प्रभावी था। इस आंदोलन और इस नारे ने पूरे आंध्र प्रदेश के लोगों को जगा दिया था। घरेलू हिंसा और जितना भी तरह का पहले दुष्कर्म होता था, जैसे कि महिलाओं को मारना, महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, उनका हनन करना, उन्हें सार्वजनिक स्थल पर उनका बोल सकते हैं कि जितना भी तरह का उत्पीड़न करना या फिर यौन शोषण करना, ये तो आम बात थी। लेकिन यह एक पहला एक ऐसा आंदोलन था जिसने क्या किया था, जिसने आंध्र प्रदेश की महिलाओं के अंदर खून उबाल दिया था। इस आंदोलन ने आंदोलन के द्वारा महिलाओं ने ऐसे कई काम किए जिससे वे अपने पारिवारिक स्थिति को सुधारना चाहती थी। संविधान के अनुसार 73वें और 74वें संशोधन में इस आंदोलन को शामिल किया गया और इस आंदोलन की मुख्य बातों को रखा गया, जिसके आधार पर 1992 से 93 में जितनी भी महिलाएं थीं उन्हें स्थान निकाय चुनावों में आरक्षण दिया जाने लगा। आने वाले समय में इसे और बदला गया और हमारे देश के पार्लियामेंट में महिलाओं को भी आरक्षण देकर सीटें रिजर्व की गई। इस तरह से ताड़ी विद्रोही आंदोलन जो था वो बहुत भयावह रूप में क्या किया, अपने अधिकारों की प्राप्ति की। देखिए, ये आंदोलन जो था एक आंदोलन नहीं था, ये एक जन चेतना थी जिसके द्वारा महिलाओं ने अपना अधिकार लिया। आज फिर वही जरूरत पड़ गया है हमारे देश के, हमारे राज्य के लोगों को, जहाँ पर उनके घर चलाने वाले पति या फिर उनके बेटे जो शराब के नशे में चूर चूर हो चुके हैं, उन्हें होश में लाने का वक्त आ गया है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।